साउथ सिनेमा के कंटेंट को फॉलो करते हुए बॉलीवुड इस कदर रिमेक्स के लिए उतावला हो गया है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हालांकि पहले भी ऐसा ही होता आया है कि एक मास लेवल फिल्म को साउथ से चुनो, उसकी कहानी कॉपी करो और फिर बड़े बजट में फिल्म को प्रमोट करके रिलीज कर दो, ताकि ऑडियंस को लैंग्वेज बैरियर का सामना ना करना पड़े और उन बेचारों को ये लगे कि वाह क्या ओरिजिनल कहानी बनाई है फिल्म मेकर्स ने। इसी घाव को तरोताजा करने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया है रंजीत तिवारी ने, जिन्होंने 2021 में आई फिल्म बेल बॉटम का डायरेक्शन भी किया था। आपको बता दें कि ये फिल्म 2018 की हाईली अक्लेम तमिल फिल्म रक्षासन का रीमेक है। फिल्म के लीड रोल में है अक्षय कुमार, रकुल प्रीत सिंह, चंद्रचूर सिंह, गुरप्रीत गुग्गी और सरगुन मेहता। अब अगर बात की जाए फिल्म के रिस्पेक्ट में, तो इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में सिर्फ यही बात आएगी कि ये नहीं सुधरेंगे, अच्छे कंटेंट को थोड़ा और बिगाड़ेंगे जब तक उसकी पॉपुलैरिटी अपने तक ना ले आए, जो फिलहाल इस जन्म में तो मुमकिन नहीं। फिल्म को सीन बाय सीन कॉपी तो कर लिया बॉलीवुड ने, पर वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, वो बात हमेशा बॉलीवुड के रीमेक सिनारियों में देखने को मिल ही जाती है। डायरेक्टर साहब ने सिनेमेटोग्राफी को डार्क रखवाकर सोचा कि ऑडियंस को डार्क फील करवाते हैं, पर महाशय ये भूल गए कि आज ऑडियंस विजुअल से ज्यादा कंटेंट की तरफ आकर्षित है। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो अगर आपने रक्षासन के थ्रिल को एक्सपीरियंस किया है तो ये फिल्म आपको उसका एक सस्ता वर्जन लगेगी, जिसमें एक्टर्स तो बड़े हैं लेकिन कहानी का एग्जीक्यूशन बिल्कुल तुच्छ और मामूली सा है। फिल्म देखकर ऐसा लग रहा था मानो अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन को करने के बाद गर्मी से थक गए, तो सोचा कि राउडी राठौर वाली ड्रेस उठा के चलते हैं पहाड़ी इलाके में, फिल्म की शूटिंग भी हो जाएगी और वेकेशन का वेकेशन भी। आप यकीन नहीं मानेंगे पर एक भी कलाकार की तरफ से ऐसा नहीं लगा कि वो इस फिल्म के लिए एफर्ट करना चाह रहे, सिवाय सरगुन मेहता के, जिन्होंने एक एरोगेंट लेडी ऑफिसर का रोल निभाया है और जो इन्होंने विलन के किरदार के साथ छेड़छाड़ की है उसे देखकर आप शर्म से अपना मुंह नीचे करके बैठ जाएंगे। ओवरऑल ये फिल्म सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी सांसों में अक्षय अक्षय चलता रहता है। बाकी अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हैं तो जरूर देखें, पर बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि ये रीमेक सिर्फ ऑडियंस को निराश और ओरिजिनल मास्टरपीस को शर्मसार करने के लिए बनाई गई है। आपकी क्या राय है फिल्म कठपुतली के बारे में कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर करना ना भूले और अन्य फिल्मी अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।